मेरा नाम है मेघा और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक मीशो ज्वेलरी हॉल। तो मीशो से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। सो सारे ही जो प्रोडक्ट्स है ना, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ और मैं बताने वाली हूँ मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी लगी और इसका प्राइस क्या है और किस तरह के डिजाइन है। तो मैंने कुल मिला के ऑर्डर किए हैं 5 प्रोडक्ट्स। सो धीरे धीरे करके मैं एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी से मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग जो है ना, ये बहुत अच्छे से ये पैक करके भेजते हैं। इस तरह से ये बॉक्स आता है और इसके अंदर होता है बबल रैप, सो दैट कोई भी जो है डैमेज ना हो पीस, और आप इसको ऐसे ही घर में भी अपने इस तरह से बॉक्स में इसको अच्छे से रख सकते हो। तो पैकेजिंग के मामले में जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स आए ना, सारे ही बहुत अच्छे से पैक होकर आए हैं बबल रैप में। तो पैकेजिंग के मामले में है थम्स अप। बाकी मैं बताती हूँ उसके डिजाइन क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है मेरा पर्सनल फेवरेट, ये वाला, ये है चांद वाली। ये देखो येलो कलर का है। मैं थोड़ा जूम करती हूँ, थोड़ा फोकस करती हूँ, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो इस तरह का है ये, और ये बहुत सुंदर है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, पहनने पे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा साइज में ना बड़ा है, तो उसमें आपको नेक पीस पहनने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप सिंपली ये भी पहनते हो अपने आउटफिट के साथ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक प्रोडक्ट है, और ये जैसे पिक्चर में था ना, एग्जैक्टली वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है। कोई भी मुझे कंप्लेन नहीं है इससे। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि सेकेंड प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये भी बहुत सुंदर है। ये देखो इस तरह का ये प्रोडक्ट है, चोकर है ये, और इसमें इस तरह के ना ये वाइन कलर के बीड्स हैं, आप मैजेंटा भी बोल सकते हो। ये इस तरह के बीड्स हैं, और इसका जो बैक है वो इस तरह से इसका थ्रेड है, इस तरह से इसका थ्रेड है, और ये इसका डिजाइन है। अच्छा, इस चोकर के साथ ना मुझे इस तरह के ये सेट में इयररिंग्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और ये मैं, ये देखो दिख गया ना अच्छे से, हाँ। और ये ना मतलब ऐसा है कि अगर मैं चोकर नहीं भी पहनूं और सिर्फ ये अपनी रेगुलर कुर्ती के साथ वेयर करूं, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया। थर्ड सेट मैं आपको दिखाती हूँ। सो थर्ड सेट है मेरा, थर्ड सेट भी बहुत सुंदर है। ये देखो, सो ये है थर्ड सेट। ये देखो, ये चोकर है, ऐसे देखो, ये चोकर है, इस तरह का काम है, ये सारे बीड्स हैं इसमें। ये देखो, ये ग्रीन कलर के बीड्स हैं, और यहाँ पे भी ये इस तरह से है। ये देखो, तो ये एक चोकर हो गया, और इसके साथ के जो इयररिंग्स हैं वो ये थोड़े हैवी हैं, इस तरह से हैं। ये देखो इस तरह से ये डिजाइन है, सेम उससे मैचिंग का डिजाइन है। ये थोड़े से हैवी है, मतलब अगर आप सेम वही चीज है कि अगर आप सिर्फ ये पहनना चाहते हो तो भी ये चलेगा, इतने हैवी है ये। जितने मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं ना मीशो से, मुझे सारे ही प्राइस वर्दी लगे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जो उसके प्राइस है उसके हिसाब से क्वालिटी नहीं मिली मुझे, या फिर डिजाइन इतना अच्छा नहीं है जैसा पिक्चर में दिख रहा था। तो सेम वही प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। तो मीशो के ज्वेलरी के लिए बिग थम्स अप। और बाकी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मेरा फोर्थ डिजाइन। तो इस तरह का ना ये फ्रंट है इसका, इसमें ग्रीन कलर के ऐसे स्टड्स लगे हुए हैं, और बाकी ये इस तरह से इसकी रेड कलर की बीड्स हैं। ये देखो, एंड अगेन बैक जो है इसका, ये मेरे से ही हुआ है अभी, तो मैं इसको अभी ठीक कर दूंगी। बाकी इसका बैक में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेड भी काफी अच्छा है। एक पीस के साथ जो आया है ना, ये वाला इयररिंग आया है, ठीक है। तो इस तरह का ये इयररिंग है, और जो इसका कलर है ना, वो ऐसा है कि आपके फेस पे भी वो खिल के आता है, आपका फेस भी अच्छा लगता है, और आपका जो आउटफिट है ना वो भी, मतलब उसमें भी चार चांद लग जाते हैं। इस तरह का ये डिजाइन है, और ये चोकर नहीं है, ये नेकलेस है, पूरा आपका पूरा ये यहाँ तक आता है। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी अब आते हैं हम अपने लास्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है मेरा फेवरेट। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ, बाकी आई डोंट नो आपको कितना पसंद आएगा, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। सो टैंक, ये देखो। सो ये मुझे लगा बहुत ही अच्छा, मतलब ये है सुपर गॉर्जियस। इस तरह के ये स्टड्स हैं इसमें पूरा। ये ना एक्चुअली वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी आपके बहुत अच्छा लगेगा, वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों पे ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे बाय कर लेना चाहिए। जैसे ही मुझे ये
मिला ना वापस से, और मैंने फटाफट इसको सेव करके इसको ऑर्डर कर दिया और वापस से मुझे मिल गया। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें ना। जो एक स्टड है ना, ये देखो, आपको दिख रहा है, ये देखो, तो ये जो स्टड है ऐसे, रुको, हाँ ऐसे देखो आप, ये स्टड है ना अपनी जगह से एक्चुअली निकला हुआ है। तो आई थिंक जो शॉपकीपर है उसने इसको वापस से लगाया है, बट ये अच्छे से प्लेस नहीं हुआ है, तो ये शायद से निकल सकता है, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। मैंने ट्राई कर लिया है कि निकल जाए तो मैं इसको अच्छे से लगा दूं, वापस से फिक्स कर दूं, बट कहीं से भी बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है। बाकी ये बैक है इसका, थ्रेड है इसका, ये है। और प्राइस के हिसाब से ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी डील है, क्योंकि प्राइस आई थिंक इसका 200 के आसपास है। और ये लुक एट दिस पीस, सी। तो सारी ही डिटेल जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, जाके फटाफट खरीद लेना, बाय कर लेना, और इसको जाने मत देना अगर आपको अच्छा लगा मेरी तरह, ठीक है। और बाकी मैं इस तरह की वीडियोस जो है वो लेकर आती रहूँगी जल्दी जल्दी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो अभी, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मेरी वीडियो को, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए हॉल के साथ, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और आप लोगों को भी मुझे देने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो जल्दी से ग्रो हो जाएगा, मैं नए नए टॉपिक्स लाती रहूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ी सी खटर पटर की आवाज आ रही होगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी मम्मी बीच बीच में काम कर रही है। एक्चुअली मैंने ही ये रूम ऑक्यूपाई कर रखा है शूट के लिए, क्योंकि ठंड हो गई है, और बाहर शूट करना ना, मतलब दूसरे वाले रूम में शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठंड लगती है। तो मैंने सोचा कि मम्मी वाले रूम में आ जाती हूँ, और तो मैंने अभी फिलहाल ये पूरा से ऑक्यूपाई कर रखा है, तो बेचारी मम्मी परेशान हो रही है और थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। तो थोड़ा सा अगर बीच में बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा या कुछ आवाज आ रही होगी तो मुझे फॉरगिव करना और प्यार कर लेना, मम्मी है तो मम्मी काम करती रहती है, कुछ 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 कुछ, ठीक है। बाकी मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।